वेलकम टू जानकारी ब्लॉग। और सबसे पहले हम ओपन करेंगे गूगल। गूगल पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे साइट पे AMS पोर्टल SBPUT का खोल लेंगे। उसके बाद हम फर्स्ट लिंक जो है एकेडमिक मैनेजमेंट सिस्टम, उसे ओपन करेंगे। उसके डाउनलोड होने के बाद इसको हम डेस्कटॉप मोड में चेंज कर लेंगे। और डेस्कटॉप मोड में चेंज करने के बाद लॉगिन प्रेस करेंगे और अपनी ID जो है हमारी वो फिल करेंगे। और उसके बाद पासवर्ड सेवेज अगर होगा तो उसको, वरना अगर याद हो आपको तो वो, और नीचे जो बार कोड दिया उसको फिल कर लेंगे। बार कोड फिल करने के बाद, जैसे कि ये बार कोड फिल हो गया, इसके बाद नीचे ब्लू कलर की लाइन में जो लॉगिन का ऑप्शन दिया है उसको हम क्लिक कर लेंगे। लॉगिन क्लिक होने के बाद आपका होम पेज खुल जाएगा और साइड में देखेंगे आप कोर्स का ऑप्शन, कोर्स के ऑप्शन पे भी कोर्स सिलेक्शन पे हम आ जाएंगे। और एकेडमिक ईयर में हम 22-23 कर लेंगे। और उसके बाद सेमेस्टर में हम सेकेंड सेमेस्टर करेंगे। एड सेमेस्टर का ऑप्शन करेंगे तो हमारा सबसे नीचे साइड में एक ऑप्शन खुल गया है, उसको हम सेलेक्ट का ऑप्शन करके फर्स्ट बॉक्स में सारे कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे। इसका कोई भी और का नहीं है सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट चूज करने। और नीचे NCC और NSS में जिसका NCC और NCC और NSS वाले NSS का ऑप्शन, जिसके मेरे पास NSS ओके कर लेंगे। उसको सेव चेंज करेंगे। सेव चेंज करने के बाद हम नेक्स्ट बॉक्स में आएंगे वो अपर वाले ऑप्शन से। वहाँ से फिर इसमें अगेन हम सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, बाद देख लेंगे कि सारे सब्जेक्ट वही हैं जो हमने सेलेक्ट करे थे। सेलेक्ट करने के बाद ओके ऑप्शन कर देंगे। ओके ऑप्शन के बाद सिर्फ सेव चेंज कर देंगे इसको। और फिर हम कोर्स वाले ऑप्शन में जाएंगे। कोर्स वाले ऑप्शन में हम कोर्स रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे और सारे सब्जेक्ट चेक करके इसको हम सबमिट न्यू कोर्सेस कर देंगे। ये बार सारे सब्जेक्ट अपना देख लेंगे किस हिसाब से हैं, सबमिट कर देंगे। उसके बाद ऐसा कुछ आपके पास टेक्स्ट ऑपरेज आ जाएगा। उसके बाद अगेन हम कोर्सेज में जाएंगे और सबमिट रोस्टर फॉर्म कर देंगे। सबमिट रोस्टर फॉर्म के ऑप्शन में आके एक बार सारे और सब्जेक्ट चेक कर लेंगे। एडवाइजर वगैरह चेक करके हम सबमिट रोस्टर फॉर्म का ऑप्शन जो नीचे ग्रीन कलर का है उस पर आके हम क्लिक कर लेंगे। सारे सब्जेक्ट वगैरह अभी तो पेंडिंग में होगा, उसके बाद जो इनके इंस्ट्रक्टर्स हैं वो उसको कर देंगे। और फिर हम प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसका एक प्रिंट ले लेंगे जो हमें रजिस्ट्रार में जमा करना होगा विद इन डेट, जो डेट प्रोवाइड करी गई है। इसको अपने ड्राइव में सेव कर लेंगे। फिर इस बार ऑनलाइन फीस जमा करने का जो नया सिस्टम है तो उसके लिए हम फाइनेंशियल पे जाके ऑनलाइन फी के ऑप्शन से रेगुलर फी का ऑप्शन चूज कर लेंगे। और वहाँ से सारी डिटेल एवं म्यूजिक अरे कोई नहीं कोई नहीं माया मोह। इसके बाद हम फिर पेमेंट वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ डाउनलोड होने के बाद पेमेंट आ जाएगा। अगर हम UPI करते हैं तो कोई GST नहीं होगी हमारे पे। और अपनी UPI ID फिल कर लेंगे। उसके बाद पे नाउ करके उसको हम कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका एक नोटिफिकेशन जाएगा, जो भी UPI डालेंगे फोन पे वगैरह भी, वहाँ से उसको पे करना है और अपना पासवर्ड वगैरह डाल के प्रोसीड पे कर देंगे वहाँ से पासवर्ड। और अब सुनोगे सबसे खतरनाक ट्यून दिस। उसके बाद आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद उसकी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और उसके स्क्रीनशॉट के बाद हम अपने पेज पे आएंगे AMS पोर्टल पे, वहाँ पे हमारी रिसिप्ट होगी। इस रिसिप्ट का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ये हमें जमा करनी होगी।